नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पतंजलि के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं वन बाय वन साइंस एनसीईआरटी सीरीज। इसी ओर एक और कदम आगे बढ़ाते हुए आज हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे हमारा मानव के विभिन्न तंत्र। मानव तंत्र जो एक पूरा सिस्टम है ह्यूमन का, एनाटोमी जिसको हम बोलेंगे, जो आंतरिक संरचना है मानव की, उसको हम विभिन्न तंत्रों के माध्यम से पढ़ते हैं, अलग अलग डिवाइड करके, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इस प्रकार से हम उसको डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो इसी श्रेणी में जो हम पूरी एक कंप्लीट ये पूरा ह्यूमन सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें जो हमारा पहला है वो है हमारा पाचन तंत्र, यानी कि ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, ह्यूमन बींग्स जो हैं, मानव हैं, तो अपना खाना जो है वो अलग रूप में लेता है, लेकिन शरीर के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस खाने को पचाने के पश्चात, वो होती है एक अलग ही जो उपापचयी क्रियाएं हैं, जिसके अंदर यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो साइमल्टेनियसली चलती हैं बॉडी के अंदर। और ये पूरा एक जो प्रोसेस है, जो भोजन हम इनटेक करते हैं उससे हमारे शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए, यानी कि एक रो फॉर्मेट से पोषक तत्व है जिसको शरीर यूटिलाइज करता है, जिसको शरीर अवशोषित करके ऊर्जा उत्पन्न करता है विभिन्न कार्यों के लिए, वहां तक पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है वो ही हमारी आती है पाचन तंत्र के अंदर, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, सबसे पहले ये क्या करता है, भोजन का सरलीकरण करता है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फूड। सिंप्लीफिकेशन का ये जो प्रोसेस है, ये हमारे भोजन को मुख में ग्रहण करने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। जब दांत भोजन को छोटे छोटे और टुकड़ों में बांटते हैं, उसके पश्चात उसमें लार जो है इन्वॉल्व होती है, तो ये सारा जो प्रोसेस है ये यहाँ से स्टार्ट होकर के छोटी आंत, बड़ी आंत और अंत में उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है, यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है वही पूरे का पूरा हमारा क्या आता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है, पाचन तंत्र में आता है। अब पाचन तंत्र जो है इसको मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है, एक हिस्सा हम बोल सकते हैं अंग, यानी कि पाचन तंत्र के अंदर काम आने वाले बॉडी के जितने भी अंग हैं वो। दूसरी होती हैं पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथि। अब देखिए, सबसे पहले अंग की बात करते हैं। पाचन तंत्र को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट जो था वो मैंने बताया कि पाचन तंत्र के अंदर काम आने वाले अंग, दूसरा पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा सिक्रीट किए गए, जिनके द्वारा उत्सर्जित किए गए एंजाइम्स और हार्मोन्स का प्रयोग होता है भोजन को सरलीकृत करने में और भोजन को अवशोषित करने लायक बनाने में, उसमें से जो पोषक तत्व हैं उनको निकालने में। अब जब हम एक मनुष्य नॉर्मली जब भोजन ग्रहण करता है, तब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब कोई अलग अलग हमें नहीं दिखता है कि ये विटामिन है, ये वसा है, ये प्रोटीन है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं, जहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, वो सभी अलग अलग पोषक तत्व ही ग्रहण करते हैं, खनिज लवण के रूप में, विटामिन्स के रूप में, प्रोटीन के रूप में। तो वो उस लेवल तक की जो सरलीकरण की जो प्रक्रिया है, बिल्कुल छोटे लेवल पे जाने की, तो उसमें एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरे इन अंगों का योगदान होता है और साथ में पाचन ग्रंथियों का। तो हम यहाँ से याद करते हुए भी चलेंगे हमारे साथ साथ में, कि जो अंग जो पाचन तंत्र में काम आने वाले अंग की बात करें, तो सबसे पहले आता है मुख, यानी कि जिसके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। उसके पश्चात आती है ग्रसनी, ग्रसनी यानी कि
फेरिंग्स, ग्रशनी को फेरिंग्स भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हो गई ग्रशनी, के बाद में होती है आपकी ग्राश नली। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे भोजन मुख से आएगा ग्रशनी के अंदर, और ग्रशनी के पश्चात में लगभग 25 सेंटीमीटर की लेंथ, 25 सेंटीमीटर लेंथ की होती है ग्राश नली। ग्राश नली के अंदर क्या होता है, भोजन जो है जो सरलीकृत हुआ है थोड़ा दांतों के द्वारा, और उसमें जो श्लेष्मा, ग्राश नली के अंदर श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं जो कि एक चिपचिपा लसलसा पदार्थ उत्सर्जित करती हैं ताकि भोजन का मूवमेंट जो है बॉडी के अंदर वो आसानी से हो सके। तो उसके माध्यम से ग्राश नली यानी कि इसोफेगस यहां तक पहुंचता है, और ग्राश नली के पश्चात भोजन जाता है अमाशय के अंदर। अमाशय के अंदर जब भोजन जाता है तो यहाँ पे मुख्य रूप से भोजन को और ज्यादा क्या किया जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सरलीकृत किया जाता है। यानी कि यहां से हो गया आपका स्टमक। अमाशय के पश्चात जो भोजन है वो छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में, छोटी आंत में जो है सबसे ज्यादा पचाने व अवशोषण की कार्य होता है। उसके पश्चात में जो बचा हुआ जो अवशोषण होता है भोजन का वो किया जाता है बड़ी आंत में, और उसके पश्चात बड़ी आंत के जो अंतिम भाग होता है एनस, मल द्वार, उसके द्वारा मलाशय से भोजन जो उत्सर्जन है वो कर दिया जाता है अपशिष्ट पदार्थों का। तो एक बार फिर से हम फटाफट देखेंगे, सबसे पहले मुख, मुख से ग्रशनी, ग्रशनली से ग्राश नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत और मलाशय, ये जो है अंग हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, कार्य करते हैं किसके दौरान, पूरे के पूरे भोजन के पाचन के दौरान ये कार्य करते हैं। दूसरा पार्ट जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे पाचन ग्रंथियां, अब पाचन ग्रंथियों पे हम बाद में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार प्रकाश डाल लेते हैं कि कौन कौन सी होंगी। तो एक होती है आपकी यकृत, एक होती है लार ग्रंथि, और एक होता है पेनक्रियास। ये तीन ग्रंथियां हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं भोजन के डाइजेशन के अंदर, ये एंजाइम और हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं और उससे भोजन के जो पाचन की क्रिया है उसको आसान बनाती हैं, सरल बनाती हैं। अब हम थोड़ा डेप्थ में चलते हैं, ये हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा कि किस प्रकार से ह्यूमन के अंदर भोजन का जो है डाइजेशन होता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ से कहाँ तक कौन सा पार्ट कवर होता है। अब देखिए यहां से लेकर के जब मुख से स्टार्ट होता है, मुख से लेकर के मलाशय तक का ये जो पूरा एक ट्रैक है, भोजन जहां पे पाचन हो रहा है इस पूरे ट्रैक को ही बोला जाता है आहार नाल। तो कंप्लीटली मिला करके स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक बोला जाता है आहार नाल। देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि हम एक एक करके भोजन के पाचन के अंदर जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें काम में आने वाले अंगों का कार्य देखेंगे, उन अंगों की संरचना के बारे में जानेंगे, उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है लास्ट में सभी अंगों की स्टडी करने के पश्चात, यानी कि सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मुख की, फिर उसके बाद में ग्रशनली, फिर ग्राशनली, अमाशय, इस प्रकार से मैं एक एक अंग के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगी, और अंत में हम उन सभी का एक कंपाइल्ड रूप में पढ़ेंगे कि कंप्लीट भोजन का डाइजेशन किस प्रकार से होता है, यानी कि भोजन का पाचन कंप्लीटली किस प्रकार से होता है, और साथ में हम देखेंगे भोजन के पाचन में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइम और हार्मोन्स और उनका फंक्शनिंग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी सीरीज में। देखिए सबसे पहले जैसा कि हमने स्टडी किया, पहला अंग आता है मुख यानी कि माउथ।
भोजन को इंटेक करने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है। लेकिन जैसे ही मुख में जाता है उसको बोलते हैं मुख से, जब जैसे ही हमारे मुख से एंटर करता है तो जाता है भोजन मुख गुहा में। और यहाँ पे दांत होते हैं भोजन को सिंप्लीफाई करने के लिए, छोटे पार्ट्स में, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में जो कि इनटेक किए जा सकते हैं उसमें तोड़ने के लिए। अब दांत जो मनुष्य का जो सिस्टम है, मानव का जो दांतों का सिस्टम है, उसको कहा जाता है द्विबार दंती, यानी कि डाइफोडोंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दो बार जो सिस्टम दांतों का डेवलप होता है इंसान के अंदर, उन सभी जीवों को, न केवल इंसान, मान लीजिए किसी अन्य प्रजाति के जीवों में भी होता है कि दो बार दांतों का जो सिस्टम होता है, तो उन सभी को बोला जाता है द्विबार दंती या फिर डाइफोडोंट। द्विबार दंती क्यों बोलते हैं? एक बार तो आते हैं शुरुआत में अस्थायी दांत जो गिर जाते हैं, जिनको बोला जाता है दूध के दांत। दूसरे फिर बाद में आते हैं स्थायी दांत जो परमानेंट होते हैं। अब मनुष्य के अंदर, मनुष्य का जो जो लाइन है, जो जबड़ा है, उसके अंदर दांतों की जो संरचना है, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कहीं पे किसी भी महाद्वीप में, पूरे वर्ल्ड में उसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को कैसे याद कर सकते हैं हम? 2 1 2 3, 2 1 2 3 into, ये तरीका है जो जो लाइन के अंदर विभिन्न प्रकार के जो दांत हैं, अभी इनके नाम भी हम याद करेंगे यहीं के यहीं, लेकिन उससे पहले आप ये याद कर लीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये आपका हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ऊपर वाला जो होगा ये अपर जो हो जाएगा, यानी कि ऊपरी जबड़ा। इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका लोअर जो लाइन। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो 2 1 2 3, अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिएगा पूरे में से ऊपर, तो इनको बोला जाता है जो सबसे स्टार्टिंग में होते हैं त्रितंक। दूसरे होते हैं रदनक। तीसरे होते हैं अगर चवर्णक। और इंग्लिश में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, एंड मोलर। ये पूरा जो दांतों का एक सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो कृतंक होते हैं वो 2 into 2, यानी कि टोटल कितने होते हैं? 4 कृतंक होते हैं, 2 रत्नक होते हैं, 2 अगर, 4 अगर चवर्णक और होते हैं, और चवर्णक यानी कि मोलर होते हैं। ये एक ऊपर की जो लाइन हो गई, इसी प्रकार से नीचे की, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 32 हो जाते हैं। टोटल 32 जो दांतों का जो सिस्टम होता है इंसान के अंदर, नॉर्मल ह्यूमन बींग में, एडल्ट में, वो इस प्रकार से होता है। तो हम पढ़ रहे थे सबसे पहला जो मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम का अंग होता है वो होता है मुख। मुख के अंदर, मुख गुहा में भोजन जाता है, वहां पे दांत जो होते हैं उसको सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं, छोटे टुकड़ों में बांटने का। साथ में ही क्या होता है, मुख में होती है लार ग्रंथि। देखिए लार ग्रंथि जो होती है ये रिलीज करती है एंजाइम जो होता है, और साथ में एक और काम करती है वो होती है एंजाइम भोजन को लसलसा बनाना। अब टाइलिन का काम होता है स्टार्च का पाचन, भोजन के अंदर
कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, ये सब इंटेक करते हैं, लेकिन साथ में ही क्या होती है, स्टार्च भी होती है। कैसे? जो हरी सब्जियां आप लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, उन हरी सब्जियों में क्या होता है, प्रत्येक पौधे के अंदर ज्यादा मात्रा में क्या होता है, स्टार्च होता है। क्या स्टार्च मनुष्य डाइजेस्ट कर सकता है? नहीं, मनुष्य स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं करता है, वो एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलती है। लेकिन उसका जो डाइजेस्टिव, जो मतलब भोजन के अंदर इंग्रेडिएंट में से अलग करने का जो कार्य होता है, वो यहीं से स्टार्ट होता है। और लगभग 30% जो स्टार्च का डाइजेशन है वो माउथ में ही हो जाता है। इसके पश्चात जब भोजन जात, यहां तक हमने पढ़ा, जीभ, दांत, दार ग्रंथी, लार ग्रंथी के बाद में भोजन जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है कहाँ पे, दृष्टनी में। दृष्टनी का मतलब फेरिंग्स, फेरिंग्स के अंदर जाता है। अब देखिए, फेरिंग्स के दो मुख्य कार्य हैं। पहला मुख्य कार्य तो ये है कि फेरिंग्स हेल्प करती है कि जो भोजन इनटेक किया है, जो टाइलिन, जो स्टार्च इन सब में घुल गया है, जो भोजन अंदर शरीर में जा रहा है, तो यहीं पे आप लोग देख सकते हैं कि एक तो होती है कंठ द्वार, यानी कि ये श्वास नली के पास में होता है, एक होती है श्वास नली, और दूसरी होती है एक ग्रास नाल, यानी कि खाने की नली। एक तो होगी श्वास नली, दूसरी हो गई ग्रास नली। तो फेरिंग्स ये डिसाइड करता है कि भोजन जो है वो श्वास नली में ना जाए, यानी कि भोजन श्वास नली में चला जाएगा तो क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, क्योंकि वो वहां पे नहीं जाना चाहिए। जो एक कहते हैं कि सांस अटकना खाने के दौरान, कभी कभी गलती से थोड़ा बहुत भी चला जाता है, तो अगर आपकी ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स है वो सही तरीके से कार्य नहीं करेगा तो भोजन श्वास नली में जा सकता, और साइमल्टेनियसली हवा जो कि श्वास नली के अंदर जानी चाहिए इनहेल करते टाइम, वो जा सकती है ग्रास नली के अंदर। तो इन दोनों का म्यूचुअल काम नहीं हो, यानी कि हवा तो जाए श्वास नली में ही, और इसी के पैरेलल होती है ग्रास नली, इसमें जाए आपका भोजन। तो ये डिसाइड करने का काम एक कुप्पी नुमा स्ट्रक्चर होती है, तो बोलते हैं ग्रसनी, यही ग्रसनी ये कार्य करती है। इस ग्रसनी को भी हम फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी, ये आपकी एक होती है नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स होती है ग्रसनी का वो भाग जो कि नेजल कैविटी से जुड़ा हुआ रहता है। अब आप देखेंगे बिल्कुल ये क्या है, इस प्रकार की कुप्पीनुमा स्ट्रक्चर है, ये है आपकी ग्रसनी। तो जो पार्ट नेजल कैविटी से कनेक्टेड होता है वो कहलाता है नेसोफेरिंग्स, हिंदी में भी इसको बोलते हैं नेसोफेरिंग्स। सेकंड जो माउथ से कनेक्टेड होता है, जो पार्ट माउथ से कनेक्टेड होता है वो कहलाता है ओरोफेरिंग्स, और लास्ट के अंदर होता है हाइपोफेरिंग्स, जो कि कनेक्टेड होता है किससे, एक साइड से तो होती है ग्रास नली, एक होती है आपकी श्वास नली, इनसे कनेक्टेड होता है। तो ये होता है आपका लास्ट में हाइपोफेरिंग्स, या फिर लेरिंगोफेरिंग्स भी उसको बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया है, हमने सेकंड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया। सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा था मुख और मुख गुहा के बारे में, दांतों के बारे में। सेकंड हमने पढ़ लिया है ग्रसनी के बारे में। तीसरा जो हमारा आता है वो आता है ग्रास नली या फिर इसोफेगस भी जिसको बोलते हैं,
ग्रासनली या इसोफेगस का काम क्या है? ग्रासनली और इसोफेगस जो है उसका मुख्य रूप से काम होता है मुख के अंदर ग्रहण किए हुए भोजन को, जो कि फेरिंग्स के माध्यम से आ रहा है, ग्रसनी के माध्यम से आ रहा है, उसको अमाशय तक पहुंचाना। यानी कि ये एक तरीके से कनेक्टर का काम करती है, यानी कि ये जोड़ती है। किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है ग्रसनी को अमाशय से। ये इस प्रकार से कनेक्टर का काम करती है। इसकी लगभग लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर और जो लेरिंग्स होती है, सॉरी इसोफेगस जो होती है कि इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पे होती हैं प्लेस्मा ग्रंथि, जो कि क्या करती हैं प्लेस्मा पदार्थ को रिलीज करती हैं, उत्सर्जित करती हैं, ताकि भोजन का जो गति है, भोजन की जो गति है, भोजन का जो संचरण है मुख से लेकर के अमाशय तक का, वो बिना किसी रुकावट के आसानी से इजीली अमाशय तक पहुंच जाए। तो ये होता है कार्य किसका? श्लेष्मा ग्रंथियों के द्वारा उत्सर्जित करने के दौरान वो, और ये एक प्रकार का गाढ़ा पदार्थ होता है जो कि यहाँ पे इनके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। लेकिन साथ में ही एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे जब जो ग्रासनली है इसके अंदर जब भोजन ट्रेवल करता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जाता है, तो उसमें कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का मूवमेंट होता है। वो मूवमेंट क्या होता है? वो होता है ये जो पेशीय जो कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पे ये पेशीय कोशिकाओं की बनी होती है, तो ये जो पेशीय स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर इस प्रकार का मूवमेंट दोनों साइड में होता है, ताकि भोजन जो है अप एंड डाउन होते हुए आसानी से नीचे पहुंचे। इसका कारण क्या होगा? आप लोग खुद भी सोच सकते हैं कि इस प्रकार की जो संकुचन के साथ में जो गति हो रही है, संकुचन के साथ में इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, पहली चीज मैंने क्या बताई कि यहाँ पे श्लेष्मा ग्रंथियों के द्वारा क्या हो रहा है, एक गाढ़ा पदार्थ रिलीज किया जा रहा है। उस पूरे पदार्थ को उद्देश्य क्या है यहाँ पे रिलीज करने का? उद्देश्य ये है कि जो भोजन आ रहा है उसके अंदर वो मिक्स हो जाए, साथ में आसानी से मूवमेंट हो। तीसरी चीज, भोजन ऊपर से नीचे की ओर ही जाए, नीचे से ऊपर की ओर वापस नहीं जाए। तो ये तीन फंक्शन को एक साथ करने के लिए, उस लार को ग्रंथ यहाँ पे जो पदार्थ है उसको आसानी से मिक्स करने के लिए, आसान मूवमेंट के लिए, और ऊपर से नीचे ही करने के लिए क्या करती हैं ये? इस प्रकार का एक संकुचन के रूप में पेशीय गति होती है और उसी से भोजन कहाँ पहुंचता है? नीचे अमाशय के अंदर पहुंचता है। इस पर्टिकुलर गति को ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गति कर्मानुकुचन गति कहते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ग्रास नली यानी कि इसोफेगस के अंदर कौन सी गति के द्वारा, कौन सी गति के रूप में भोजन जो है ट्रेवल करता है, भोजन जो है ग्रसनी से अमाशय तक पहुंचता है, तो वो होती है कर्मानुकुचन गति कहलाती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरिस्टेलेसिस। इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टेलेसिस और कर्मानुकुचन गति इसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से, कर्मानुकुचन गति क्या है, आहार नाल ग्रास नली के जो अंदर से भोजन ट्रेवल करता है कहाँ तक, अमाशय तक करता है, उसी को ही बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो एक चीज ये है कि इसके ऊपर भी क्या होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, यानी कि हिंदी में बोलने तो पल्ला भी बोल सकते हैं, ढक्कन भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में हम इसको फ्लैप बोल सकते हैं। ये क्या होता है, इस प्रकार से ग्रास नली के ऊपर लगा हुआ रहता है, और जैसे ही भोजन ग्रास नली में एंटर होना होता है तो ये क्या करेगा, ओपन होगा और भोजन एंटर होगा। और जब भोजन एंटर नहीं कराना है, वायु जब फेरिंग्स में से आ रही है,
तब ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा कि भोजन जो है, जो कार्य फेरिंग्स को करना था, जो ग्रसनी कार्य कर रही थी श्वास नली और आहार नली वाला, भोजन और वायु का सेपरेशन का, उसी में ये सहायता करता है। और इस पर्टिकुलर पल्ले को या ढक्कन को या फ्लैप को क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का कार्य होता है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना या फिर भोजन को सिर्फ ग्रास नली के अंदर आने देना, ये कार्य होता है एपिग्लोटिस का। और एपिग्लोटिस जब सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा होता है, उसी दौरान ज्यादा संभावना होती है कि भोजन श्वास नली के अंदर चला जाए। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है, जैसा कि हमने देखा था, जब यहां तक पहुंच गए हम, जो ग्रास नली है, तो ग्रास नाल या फिर इसोफेगस है, भोजन को कहां तक पहुंचा दिया, भोजन को पहुंचा दिया है अमाशय तक। नेक्स्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो अंग आता है वो आता है अमाशय। यानी कि स्टमक। ठीक है, स्टमक में सबसे पहले तो क्या होता है, स्टमक को हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम स्टमक को तीन पार्ट में डिवाइड कर लें। अमाशय जो है इसको तीन पार्ट में डिवाइड करें, पहला जठरागम भाग, मध्य भाग होता है इसका फंडस, तीसरा होता है निर्गमी भाव। देखिए तीनों के नाम से ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। सबसे पहले जो भोजन है वो कौन से में आता है, राइट साइड, जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट होता है, बाईं तरफ जो होता है जठरागम, यानी कि स्टमक को अगर हम ये जठरागम भाग हो गया, इसमें फंडस हो गया, तीसरा हो गया जठरा निर्गम भाग हो गया, इन तीनों भागों को ही मिला करके क्या बनता है, कंप्लीट स्टमक बनता है, अमाशय बनता है। और इन तीनों की ही साइमल्टेनियस फंक्शनिंग से क्या होता है, भोजन का पाचन यहाँ पे होता है। भोजन के पाचन के अंदर यहाँ पे जो मुख्य कार्य होता है वो होता है एंजाइम्स का प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंजाइम जो होते हैं वो अन्य भागों से भी आते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंजाइम प्लस HCl। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि स्टमक की जो इनर वॉल होती है, जो अंदर की जो दीवारें होती है, पेशी कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा रिलीज किया जाता है। स्टमक की शेप होती है J शेप, इसको हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, लगभग इस प्रकार की पूरा हुआ जो है तो एक जे के समान पेशी स्ट्रक्चर होती है ये। इसके अंदर ही क्या होता है, फिर कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब इसकी कैपेसिटी की जब बात करें तो कैपेसिटी क्या होती है इसकी, 1 से 3 लीटर होती है, यानी कि मैक्सिमम एट ए टाइम अमाशय के अंदर 3 लीटर तक के भोजन का क्या किया जा सकता है, पाचन किया जा सकता है। और 1 लीटर से लेकर के 3 लीटर तक का इसके अंदर पाचन होता है। अमाशय के अंदर जो पाचन होता है उसको दो चीजें और कंट्रोल करती हैं, दो ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि इस यहाँ पे जो प्रक्रिया चल रही होती है भोजन के पाचन की, वो मूवमेंट ऑफ यानी कि तो टोटल चल रहा है यहाँ पे पाचन, तो पाचन की गति को, यानी कि जो पचा हुआ भोजन है वो ऊपर नहीं जाए, नीचे नहीं जाए, कहाँ पे जाएगा, किस हिस्से के अंदर जाएगा,
उसकी जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को जो चीजें कंट्रोल करती हैं, उन कंट्रोल करने वाली मसल्स को क्या बोलते हैं? एक तो सबसे पहले स्फिंक्टर मसल्स, स्फिंक्टर मसल्स यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो स्वरवर्णी पेशी। अब ये जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं ये दो हिस्से में लगी हुई, एक तो होती हैं जो ग्रास नली कनेक्ट हो रही होती है, ये हमारी ग्रास नली है, और बेहतर बना लेते हैं इसको, तो देखिए ग्रास नली इस प्रकार से कनेक्ट होती है, तो स्फिंक्टर मसल्स एक तो यहाँ पे लगी होती हैं, जो संवर्णी पेशियां होती हैं या फिर स्फिंक्टर मसल्स होती हैं वो इस हिस्से में लगी होती हैं। किस लिए लगी होती हैं? इसलिए लगी होती हैं ताकि अमाशय के अंदर स्टमक में पचा हुआ जो भोजन है वो वापस से ऊपर नहीं जाए, पचा हुआ भोजन अपर साइड के अंदर नहीं जाए, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक तो यहाँ पे लगी होती हैं और एक लगी हुई होती हैं जो पश्च भाग होता है, जठरा निर्गमी भाग होता है, यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स जो होती हैं संवर्णी पेशियां वो लगी होती हैं। किस लिए? ताकि पचा हुआ भोजन अमाशय के अंदर जितना पाचन हो गया है वो पचा हुआ भोजन आसानी से क्या हो, कंट्रोल्ड वे के अंदर, ये नहीं कि कंप्लीटली मान लीजिए 3 लीटर का पाचन हुआ तो 3 लीटर पूरा एक साथ, ऐसा नहीं, कंट्रोल्ड वे में छोटी आंत के अंदर जाए, तो अमाशय से छोटी आंत में वो जाए इसका कंट्रोल करने के लिए, और दूसरी चीज अमाशय से ऊपर की ओर ना जाए, तो यहाँ पे दो साइड में क्या लगी होती हैं, संवर्णी पेशियां लगी होती हैं, स्फिंक्टर मसल्स इनको बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेज कहाँ पे पहुंच गए, हम पहुंच गए हैं छोटी आंत, यहां तक का पाचन हमने देख लिया, जो अमाशय है यहां तक का पाचन देख लिया, उसके पश्चात कहाँ पे छोटी आंत शुरू हो जाती है, छोटी आंत के अंदर पाचन होना शुरू हो जाता है और छोटी आंत से फिर जाता है बड़ी आंत में और अंत में क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अब छोटी आंत को भी क्या कह सकते हैं, हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी संरचना को देख लेते हैं छोटी आंत को, फिर छोटी आंत से संबंधित कार्यों को देखेंगे हम। संरचना के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पार्ट होता है होता है ग्रहणी, कौन सा होता है ग्रहणी, जिसको बोलते हैं ड्यूडोनम, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको तो सबसे पहला जो पार्ट, अगर हम इसको साधारण भाषा में याद करना चाहें तो छोटी आंत का वो हिस्सा जो कि अमाशय से जुड़ा हुआ होता है उस हिस्से को क्या बोलते हैं, ग्रहणी या फिर ड्यूडोनम बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अमाशय में पचा हुआ भोजन एंटर करता है, बाकी यहाँ पे ड्यूडोनम के अंदर यकृत यानी कि लीवर से भी क्या आता है, बाइल जूस आता है बाइल डक्ट के माध्यम से, और उसका भी जो पाचन कार्य होता है वो यहीं पे शुरू होता है। कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो पेनक्रियास के माध्यम से, पेनक्रियास जो है अग्नाशय जिसको बोलते हैं, वो पेनक्रियास अग्नाशय भी अपना किसमें सिक्रीट करता है, ड्यूडोनम के अंदर करता है। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो छोटा पहला भाग है छोटी आंत का, छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी, ग्रहणी यानी कि ड्यूडोनम, इसके अंदर खूब सारी क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं भोजन को पचाने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स और जूसेस जो हैं, बाइल जूस जो है यानी कि पित्त रस, बाइल जूस किसको बोलते हैं, पित्त रस, ये इसमें आता है और यहाँ पे भोजन का पाचन जो है होता है। ग्रहणी के बाद में क्या होता है, छोटी आंत की अगर आगे की बात करें हम तो अग्र क्षुद्रांतर, अग्र क्षुद्रांतर जो है इसका नेक्स्ट हिस्सा है, मिडल पार्ट है, और फिर आता है क्षुद्रांतर, क्षुद्रांतर जो हो गया ये या आपका लास्ट पार्ट हो गया, और ये जो बीच में जो हिस्सा हो गया तो ये यहां से आ रही है,
तो जो मिडल पार्ट हो गया उसको बोलेंगे हम अग्रशुद्रांतर, और लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है शुद्रांतर यानी कि इलियम, और अग्रशुद्रांतर को बोलते हैं जेजुनम, इंग्लिश में बोलते हैं हम जेजुनम। तो तीन पार्ट हो गए, छोटी आंत के सबसे पहले ग्रहणी, दूसरा हो गया अग्र, तीसरा हो गया यानी कि जेजुनम और इलियम, ये हो गए। इन तीनों में ही क्या होता है, अलग अलग भोजन के हिस्से का पाचन होता है। सबसे पहले जो होता है ये हिस्सा है, इसके अंदर जैसा मैंने बताया था रासायनिक पाचन होता है। क्यों? क्योंकि इसी में आकर के मिलता है प्लस होता है पितरस, इसी के अंदर पेनक्रियास से यानी कि अग्नाशय से आते हैं एंजाइम। तो इन सभी का मिला करके और कुछ जो हिस्सा होता है ये खुद किससे कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है अमाशय से। तो यहाँ पे होता है रासायनिक पाचन, छोटी आंत का पहला हिस्सा छोटा हिस्सा इसमें होता है रासायनिक पाचन। दूसरा जो है मध्य भाग, उसमें होता है पचित भोजन का अवशोषण, यहाँ पे पचित भोजन का अवशोषण होता है। और लास्ट में जो क्षुद्रांतर यानी कि इलियम है, यहाँ पे भी क्या होता है अवशोषण ही होता है, लेकिन किस चीज का होता है अवशोषण, यहाँ पे होता है लवणों का। तो लवण जो बॉडी के अंदर भोजन के अंदर सम्मिलित होकर के गए हैं उनका क्या होता है लास्ट के अंदर जो हिस्सा होता है वहां पे, जैसे कि पित्त लवण हो गया उनका हो जाएगा, लवणों में एक हम एग्जाम्पल दे सकते हैं पित्त लवण हो गया, और उसके अलावा विटामिन्स जो है उनका अवशोषण भी यहीं पे होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पचित भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण किस हिस्से में होता है, तो वो होता है अग्र शुद्रांतर या फिर जेजुनम में होता है। लवणों यानी कि पित्त लवण, सीधा सीधा एक नाम भी दे सकते हैं कि पित्त लवण का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो वो होता है शुद्रांतर, ये कहाँ पे होता है छोटी आंत में होता है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन, इन डेप्थ ज्यादा पूछा है तो शुद्रांतर बोल सकते हैं, अदरवाइज बोल सकते हैं छोटी आंत। इसी प्रकार से रासायनिक पाचन कहाँ होता है, ड्यूडोनम में होता है या ग्रहणी के अंदर होता है। नेक्स्ट जो हमारा बॉडी पार्ट आता है, जो अंग इसमें पाचन तंत्र के अंदर अंग आता है, वो आता है आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है छोटी आंत के पश्चात होती है, इसको बड़ी आंत बोलते हैं इसके डायमीटर यानी कि व्यास की चौड़ाई के कारण। अदरवाइज लंबाई किसकी ज्यादा होती है, छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है, बड़ी आंत की लंबाई कम होती है, लेकिन इसका जो व्यास होता है डायमीटर होता है वो चौड़ा होता है छोटी आंत के मुकाबले, इसलिए इसको बोला जाता है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत को भी हम फर्दर किस में बोल, तीन पार्ट में बांट सकते हैं, सबसे पहला हिस्सा जो है वो होता है सिक्कम यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे तो अंडांतर,
हितांतर और तीसरा होता है खलास्य, इसको बोलते हैं, तो बोलते हैं कोलोन, और ये होता है एनस। तो लास्ट में होता है ऊपर का हिस्सा होता है इसका रेक्टम बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टम, और रेक्टम में भी बिल्कुल जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है एनस। अब यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि ज्यादातर जो पाचन अवशोषण वो हो चुका है तो बड़ी आंत इतना क्या कार्य करती है, तो बड़ी आंत का कार्य होता है जो भी बचा हुआ पार्ट है पोषण का उसको भी अवशोषित कर लेना, और मुख्य रूप से बड़ी आंत का जो कार्य होता है वो होता है एक तो ये जल का अवशोषण करती है, प्लस खनिज लवणों का अवशोषण करती है, खनिज लवणों का अवशोषण करती है। ये पूरा मुख्य कार्य किसका होता है, बड़ी आंत का होता है। तो पाचन के अंदर अब जो क्रिया ऊपर चल रही थी किसके अंदर, छोटी आंत में चल रही थी, छोटी आंत में जो पाचन और अवशोषण की जो क्रिया हो रही थी उसमें से पाचन की बात करें तो हमने पढ़ा था रासायनिक क्रिया होती है, लेकिन बड़ी आंत में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बड़ी आंत में पाए जाते हैं स्पेशल टाइप के जीवाणु, स्पेशल जीवाणु पाए जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये करते हैं किण्वन की अभिक्रिया यानी कि फर्मेंटेशन। तो आई रिपीट, बिल्कुल इसको अच्छे से समझते हुए चलना है, छोटी आंत में ज्यादातर जो पाचन का कार्य हो रहा था वो उपापचयी क्रियाओं रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हो रहा था, जबकि हम बात कर रहे हैं बड़ी आंत की तो बड़ी आंत के अंदर जो पाचन का कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा, एक स्पेशल टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन की जो अभिक्रिया होती है उसके द्वारा बचे हुए भोजन का पाचन किया जाता है और अवशोषण किया जाता है जल और खनिज लवणों का, और जो बाकी बचे हुए पदार्थ हैं उनका कंप्लीट क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। ये पूरा कार्य किसके द्वारा किया जाता है, बड़ी आंत के द्वारा, लेकिन साथ में ही अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो देखिए बड़ी आंत का जो स्टार्टिंग पॉइंट है सिक्किम, जो हमने पहले भी मैंने आपको अभी अभी बताया, तो बोलते हैं अंधांत्र यानी कि सिक्किम बोलते हैं। इसी सिक्किम के पास में क्या होता है, एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको आम भाषा में बोला जाता है अपेंडिक्स। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि शरीर के अंदर जो 5-6 इंच की एक जो है कर्मीन रूपी यानी कि बहुत पतली सी सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, ये शरीर के अंदर कौन से अंग के पास पाई जाती है, कौन से अंग में पाई जाती है, और भी ज्यादा थोड़ा इसको आसान बना के बोले तो कौन से तंत्र के अंदर अपेंडिक्स पाया जाता है। तो तंत्र हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र, और अंग की हम बात कर रहे हैं तो अंग है बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत के अंदर जो पहला हिस्सा है सिक्किम, इसके पास में ही क्या होती है, ये इससे कनेक्टेड होती है 5-6 इंच की एक थैलीनुमा पतली स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स जो हम इंग्लिश में, और कर्मी रूपी प्रीसेसिका, क्या बोलेंगे, कर्मी रूपी प्रीसेसिका, ये होती है अपेंडिक्स, ये कनेक्टेड होती है यहाँ पे बिल्कुल बड़ी आंत के स्टार्टिंग पॉइंट पे होती है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, कंप्लीट एक स्टडी कर ली विभिन्न जो अंग थे पाचन तंत्र के अंदर, कौन कौन से अंग क्या क्या कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है, जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, हम देखेंगे एक तो पाचन तंत्र में अंग जो पाचन में काम आते हैं ये हमने स्टडी किए,
सबसे पहला हमने क्या स्टडी किया, मेरे साथ रिपीट करते जाइए। सबसे पहले हमने मुख, मुख के बाद में ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में ग्रासनली, ग्रासनली के बाद में अमाशय, अमाशय के बाद में छोटी आंत और बड़ी आंत, इनको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया। अब दूसरा जो पार्ट था वो था हमारा पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि मैंने तीन प्रकार की बताई थी आपको। सबसे पहले जो हमारे मुख में ही होती है वो होती है दार ग्रंथि। दार ग्रंथि किसका पाचन करती है, स्टार्च का करती है, टाइलिन नामक ये रिलीज करती है एंजाइम और उससे स्टार्च का पाचन होता है। दूसरा हमने देखा यकृत यानी कि लीवर। लीवर के द्वारा क्या किया जाता है, पित्त रस यानी कि बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है एक बाइल डक्ट के माध्यम से ड्यूडेनम में पहुंचता है और वहां पे जिस जिस चीज को डाइजेस्ट करना होता है उसको डाइजेशन होता है। नेक्स्ट जो तीसरा इंपॉर्टेंट वो है आपका अग्नाशय। देखिए अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास। इसके द्वारा क्या किया जाता है, दो प्रकार के हार्मोन निकाले जाते हैं, सहस्रावी और वही श्रावी। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के ये हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है। अंतःस्रावी हार्मोन के अंदर आता है आपका फर्दर, एक तो आता है इंसुलिन, दूसरा आता है ग्लूकागोन। हिंदी में भी इंसुलिन और ग्लूकागोन ही बोलते हैं। ये दोनों जो हार्मोन हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, ये भोजन में जो शर्करा है उसका पाचन करके रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यानी कि ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने वाले दो हार्मोन कौन कौन से हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन हैं। और ये कहाँ से स्रावित होते हैं, अग्नाशय के अंदर यानी कि पेनक्रियास में अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा ये रिलीज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है जो बहिःस्रावी है तो इसके अंदर आता है आपका पेनक्रियाटिक जूस या फिर अग्नाशयी रस। ये एंजाइम है जो कि क्या करता है, भोजन के पाचन की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एक हमने स्टडी की कि पाचन ग्रंथियां और पाचन अंग, इन सबको हमने एक बार मिला करके क्या कर लिया, सबसे स्टडी कर ली। कंप्लीट ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जो अंग हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां, कौन कौन सा एंजाइम या हार्मोन रिलीज करती हैं। फटाफट एक बार इस लिस्ट को देखेंगे और इस लिस्ट में से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अगर सेक्शन इंक्लूडेड है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। हम फटाफट इसको देखेंगे। दार ग्रंथि जो कि मुख में पाई जाती है ये करती है एक तो टाइलिन और एक एमिलेज। मेनली होता है टाइलिन जो कि पॉलीसेकेराइड्स यानी कि स्टार्च को क्या करती है, छोटी पॉलीसेकेराइड यानी कि माल्टोस के अंदर कन्वर्ट कर देती है। इसी प्रकार से एमाइलेज का कार्य होता है। फिर आता है अमाशय। अमाशय का मतलब स्टमक, स्टमक के अंदर हमने देखा था जठर रस होता है। जठर रस के अंदर क्या होता है, एक तो होती है आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस होते हैं एंजाइम्स। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम स्रावित हो रहा है, एक तो होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना और रेनिन होता है केसिन को पैरा केसिन में। और ये जो रेनिन होता है ये बच्चों में पाया जाता है। जो बच्चे
माँ के दूध पे निर्भर होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनके अंदर ये रेनिन एंजाइम पाया जाता है जठर रस में, जो कि दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को क्या करता है, पैरा केसिन के अंदर कन्वर्ट करता है, यानी कि दूध के पाचन के अंदर ये सहायक होता है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेनिन एंजाइम का कार्य बताइए, या फिर रेनिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक है। तो रेनिन एंजाइम सहायक होता है, साइंस की भाषा में बात करें तो केसिन के, और केसिन किस में प्रेजेंट होता है, दूध में प्रेजेंट होता है। तो कई बार इनडायरेक्टली भी बोल दिया जाता है कि दूध के पाचन के अंदर कौन सा हार्मोन जो होता है, नहीं जो एंजाइम होता है बच्चों में वो रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है रेनिन। नेक्स्ट आता है आपका अग्नाशय, जो कि मुख्य रूप से एंजाइम्स को रिलीज करता है भोजन के पाचन के लिए, जिसमें एमाइलेज, इसको एमिलेज भी बोलते हैं, ये स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में, काइमोट्रिप्सिन करता है प्रोटीन को पेप्टाइड में, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है ये भी प्रोटीन को पेप्टाइड और अमीनो एसिड्स में बदलता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है, न्यूक्लियेज डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है, और फिर आता है आंत्रीय रस, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर, तो यहाँ पे माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, तो नाम से ही पता चलेगा माल्टेज क्या करता है, माल्टोस को ग्लूकोस में। देखिए ये हम एक अलग से हमारा जो भोजन पोषण और बीमारियां, ये एक टॉपिक है, उसके अंदर हम अलग से पढ़ेंगे कि पोषण के रूप में जो शुगर होती है, शर्करा होती है, उसके कौन कौन से रूप होते हैं। एक होते हैं मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स के अंदर क्या होता है, जैसे कि सिंपली ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के दो अणु मिल जाते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो ये मिलके बना लेते हैं माल्टोस। तो इसी प्रकार से ये पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं, जो माल्टेज होता है वो माल्टोस के को वापस से ग्लूकोज में करता है, लैक्टेज होता है वो लैक्टोस को, सुक्रेज क्रोस को करता है ग्लूकोज में। इस प्रकार से ये आपकी पूरी एक जो है लिस्ट है, मैं इसको अच्छे से इरेज कर देती हूँ, आप लोग यहीं पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम एक बार क्या करते हैं, हमारा एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ताकि एक अच्छे से हम इसको फाइनल टच दे सकें कि किस प्रकार से भोजन का होता है और सरलीकरण। मुख से भोजन पहुंचता है ग्रसनी के अंदर, ग्रसनी का हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, फिर आता है ग्रासनाल, ग्रासनाल तक पहुंचते पहुंचते भोजन के अंदर एक तो टाइलिन इंक्लूड हो गया, साथ में ही जो लार के साथ में जो श्लेष्मा ग्रंथियां जो ग्रासनाल की साइड में हमने पढ़ा था होती हैं, जो सिक्रेट करती हैं पदार्थ, उन सबको मिला करके भोजन जो है वो एक बोलस के रूप में बन जाता है, उसको यहाँ पे इस स्टेज पे तो यहाँ तक जो पाचन हुआ है उसको बोलते हैं बोलस। वहां से पहुंचता है अमाशय के अंदर, अमाशय के अंदर होता है जठर रस, जठर रस के अंदर एंजाइम्स होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, और साथ में ही होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और HCl जो है वो कौन रिलीज करता है, वो करता है ऑक्सेंटिक सेल्स। अमाशय की जो आंतरिक जो लेयर होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं ऑक्सेंटिक सेल्स, हिंदी में भी इनको बोलते हैं ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, और ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन किया जाता है, श्रावण किया जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अमाशय के अंदर कौन सी कोशिकाओं के द्वारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अम्ल का सिक्रीशन किया जाता है, श्रावित किया जाता है, तो वो होती है आपकी ऑक्सेंटिक सेल। अमाशय के बाद में छोटी आंत में पहुंचता है, और छोटी आंत में हमने देखा था कि ड्यूडोनम के अंदर सभी प्रकार के अन्य एंजाइम्स आ जाते हैं, जैसे कि पेनक्रियाज से, और जैसे कि यकृत से यानी कि लीवर से, और यहाँ पे होता है रासायनिक पाचन, भोजन का रासायनिक पाचन होता है, प्लस यहाँ पे क्या होता है पचित भोजन का अवशोषण होता है। तो ड्यूडोनम है वो छोटी आंत का पहला भाग है, बाकी के दो भाग जो हैं उसमें छोटी आंत में क्या होता है पचित भोजन का अवशोषण होता है, एसिमिलेशन होता है, जिसमें से पोषक तत्व जो हैं पचे हुए भोजन में से वो ग्रहण किए जाते हैं। उसके पश्चात जो है
भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में, और यहाँ पे क्या होता है, अवशोषण होता है और पाचन होता है जीवाणुओं के द्वारा। हमने पढ़ा था कि बड़ी आंत के अंदर स्पेशल टाइप के जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होते हैं, जो कि फर्मेंटेशन की विधि के द्वारा क्या करते हैं, बचे हुए भोजन का पाचन करते हैं, और साथ में ही यहाँ पे अवशोषण किसका होता है, जल का भी होता है और अनेक खनिज लवणों का। यहाँ से मलाशय और मलद्वार के बाद में यहाँ से उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। मानव तंत्र की जो एक हमारी श्रृंखला है जो आगे हम कंप्लीट करने वाले हैं, उसमें पहला तंत्र जो हमने पढ़ा वो पाचन तंत्र पढ़ा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर हम नेक्स्ट जो है एक अलग कल प्रस्तुत होंगे, नेक्स्ट जो मानव तंत्र के अंदर एक अलग तंत्र के साथ में, चाहे वो हो सकता है आपका तंत्रिका तंत्र हो चाहे कोई सा भी, ये आप कमेंट में बताइएगा। टिल देन थैंक यू सो मच। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 7240672406।